नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी शक्तन, खबर हमारी दुनिया है। यूपी शक्तन न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आज फिर हम हाजिर हैं, हम आपके लिए लेकर आए हैं जनपद फर्रुखाबाद की खबरों का खजाना, क्योंकि आप देख रहे हैं यूपी शक्तन न्यूज का प्राइम टाइम। और हमारे प्राइम टाइम की पहली खबर है, हाई टेंशन लाइट की चपेट में आने से युवक की मौत। जी हाँ, जनपद में विद्युत व्यवस्था के बारे में तो आप जानते ही हैं कि बिजली के तार आप शहर के ही देख सकते हैं कि यदि आप निकल कर जाएंगे तो बिजली के तार आपके सिर में लग जाएंगे। परंतु हम बात करते हैं थाना कमालगंज के क्षेत्र ग्राम भड़ौसा की। वहाँ के निवासी 24 वर्षीय मोहम्मद कैफ पुत्र मौलाना तारिक कंटेनर चालाने का कार्य करता था। गुरुवार की शाम वह गांव में ही रफीक इंटर कॉलेज के सामने कंटेनर मोड़ रहा था। उसी दौरान ऊपर से निकली हाई टेंशन लाइट की चपेट में कंटेनर आ गया, जिससे मोहम्मद कैफ की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक मोहम्मद कैफ अविवाहित था, वह चार भाई हैं। मृतक की मां शाहिदा बेगम का रो रोकर बुरा हाल है। खैर, युवक अपनी जान से गया, परंतु विद्युत विभाग की नींद अब भी नहीं खुलेगी। तो आइए सुनते हैं मौके पर मौजूद लोगों ने यूपी क्षेत्र न्यूज से क्या कहा। क्या नाम है आपका? साहिब आलम। क्या घटना हुई अभी यहाँ पर? एक बच्चे को बिजली ने पकड़ लिया है। अच्छा अच्छा, कौन था आपका वो? वो भतीजा है हमारा। कैसे घटना हुई है? वो गाड़ी मुड़वा रहा था, गाड़ी पे उसका हाथ लगा, 11,000 लाइन थी, वो गाड़ी में टच हो गई। अच्छा अच्छा, लाइन नीचे थी। अच्छा, ये कितने समय घटना हुई है? लगभग लगभग 4:15 की बैच की बात है। क्या नाम है आपका? हक नवाज। क्या घटना हुई अभी आपके गांव में? जी भी लड़का मुंबई जा रहा था ट्रक से, लाइन 11,000 के नीचे थी, उसमें DCM से टच होके उसकी मौत हो गई बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से। तार नीचे थे, उसका हाथ लग गया उसमें। अच्छा, इसकी आपने आप लोगों ने बिजली विभाग को कोई सूचना नहीं दी थी? हाँ, इससे पहले कई बार सूचना दे चुके हैं, लोग आते भी हैं बिजली विभाग की तरफ से, जी वगैरह आते हैं, देख के चले जाते, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा अच्छा, इस गांव का नाम क्या है? भड़ौसा। अच्छा अच्छा, जो लड़का एक्सपायर हुआ है उसके पिताजी का नाम क्या है? मौलाना तारिक। अच्छा अच्छा, और जो लड़का एक्सपायर हुआ उसका क्या नाम है? मोहम्मद कैश। अच्छा अच्छा, ये घटना कितने समय की है लगभग? ये 3:50 की है। अच्छा, 3:50 जी। अच्छा, अभी तक आपने किसी बिजली विभाग को सूचना दी है? हाँ, बिजली विभाग को फ़ोन किए जा रहे हैं, पर वो लोग कह रहे हैं कोई छुट्टी पे है तो कोई आए नहीं रहे हैं, जेई वगैरह भी आया कोई भी नहीं है। तो अब हम आपको बताते हैं जनपद फर्रुखाबाद की दूसरी बड़ी खबर। तहसील अमृतपुर के कछुआगाड़ा निवासी लालू पुत्र मिट्टूलाल 2019 से पट्टे पर जमीन के लिए हुए थे और जिनकी अभी तक पैमाइश नहीं हुई। लालू आर्थिक कमजोरी व भूमिहीन होने के कारण आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, इसीलिए जमीन की पैमाइश कराकर व कब्जा व दखल कराना चाहते हैं। इसी नियत से लालू जिलाधिकारी के दरबार आए और यूपी क्षेत्र न्यूज को बताया। क्यों, क्या कारण है इसका? कितने दिन हो गए? एक साल हो गए। एक साल हो गए। कहाँ आपने शिकायत की? कैसा पत्र दिए हैं? पत्र अभी कहीं नहीं। लेखपालों से मिले थे आप? लेखपाल ने क्या कह दिया? लेखपाल नापते नहीं, नापते नहीं, पैसे मांगते हैं, अभी तक नापा नहीं है। देखो ना, तो अब हम आपको बताते हैं यूपी क्षेत्र न्यूज प्राइम टाइम की तीसरी खबर, ये भी जमीन को लेकर है। कृपाल सिंह पुत्र हिवान सिंह निवासी हमीरपुर सोमवंशी ने तहसील अमृतपुर के गाटा संख्या 417 जो राजस्व अभिलेखों में तालाब दर्ज है के रकबा 08 डिसमिल पर अतिक्रमण कर लिया था। तहसील के नोटिस पर जुर्माना भी दिया था और कब्जा छोड़ दिया, परंतु अब कब्जा पूर्व प्रधान अवनीश कुमार का है, परंतु नोटिस कृपाल सिंह के ही पास आ रहे हैं, जो अपनी परेशानी बताने जिलाधिकारी के पास पहुंचे और लिखित शिकायत दी। तो अब सुनिए यूपी क्षेत्र न्यूज प्राइम टाइम की चौथी खबर, ये खबर कुछ अजीब है। उमेश पुत्र राम रहीस निवासी बीर सहाय नगला हुसैनपुर नौखंडा थाना कोतवाली फतेहगढ़ ये पुलिस अधीक्षक महोदय के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंचे और इन्होंने बताया कि इनकी बहन राधा देवी का विवाह आजाद नगर गुरसायगंज के
प्रदीप कुमार से हुआ और बहन विदा होकर अपनी ससुराल चली गई, परंतु गांव नगला हुल्ली हुसैनपुर नौखंडा निवासी दीपक पुत्र हरिराम व कश्मीर पुत्र पप्पू ने राधा देवी के पति को धमकी देते हुए कहा कि तुमने हमसे बिना पूछे राधा से विवाह कैसे कर लिया, यदि राधा को छुआ या हाथ लगाया तो जान से मार देंगे। और सिर्फ राधा के पति ही नहीं, उसके अतिरिक्त परिजनों को भी फोन पर धमकी दी, जिसकी शिकायत करने उपरोक्तों ने मारपीट की, जिसकी शिकायत याकूतगंज चौकी में भी की, परंतु कोई फायदा नहीं। अब आप ही बताइए कि पति पत्नी को नहीं छुएगा तो कौन छुएगा, जिसकी शिकायत लेकर परिजन पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वार पहुंचे। तो अब हम आपको बताते हैं यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम की पांचवी खबर। थाना मोहम्मदाबाद के ग्राम गंडेई निवासी रामवती, ये भी पुलिस अधीक्षक जी के द्वार पहुंची और बताया कि इनके खेत में सिंचाई का पानी गांव के दबंग अपने आगे से नहीं निकलने दे रहे और इनकी फसल बर्बाद हो रही है, जिसकी शिकायत इन्होंने अपने निजी थाने व चौकी में की, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। थक हार कर एसपी के द्वार पहुंची और यूपी 76 न्यूज को बताया। अपना लेवल का नहीं आ पानी, इसी बात को लेकर भी बात चालू हो गया। ऐसे ही बात चालू हो गया। फिर आपके ऊपर क्या हमला किया? हमें मारा, बहुत लठियाया। लठिया गया? हाँ, आपने अपने अंदर ही चोट है सर। तो आपने अपने हमारे सब पाटे फोटे, आपने अपने अपने नजदीकी थाने में कोई तहरीर वगैरह दी थी? हाँ। तो अब हम आपको बताते हैं यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम की छठी खबर। ये खबर है थाना कायमगंज के बरझाला सादिकपुर निवासी काजल, इनका भी निकास का रास्ता रोक लिया गया है। इन्होंने भी थाने में शिकायत की, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। ये भी एसपी के द्वार पहुंची और यूपी 76 न्यूज को बताया। नाम है आपका? काजल। कहाँ से आई हो? बरझाला सादिकपुर से। थाना कौन सा लगता है आपको? कायमगंज। क्या समस्या लेकर आई हो यार? समस्या लेकर आए, मतलब घर से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, दूसरी पार्टी रास्ता बंद कर रखी है, घर से बाहर मतलब निकलेंगे। उस पार्टी का क्या नाम है? जय सिंह। जय सिंह जी। क्या करते हैं वो? वो यहाँ पे दिल्ली में जॉब करते हैं। दीवार उठवाने के बाद दिल्ली चला गया, यहाँ पे उनका कोई नहीं है, मतलब उनके पिताजी लोग रहते हैं, वो भी अगर ज्यादा बोलो तो गाली वगैरह देते हैं, मतलब मारपीट करने का। तो आपने तो मतलब वो ये सोचते हैं कि मतलब हमारे आगे किसी की चलेगी। आपने अपने नजदीक थाने में कोई तहरीर वगैरह दी? थाने में एप्लीकेशन दी है, थाने में 10 बार जा चुके, कोई सुनवाई नहीं होती है। वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई? यहाँ कितनी बार आ चुकी है? यहाँ दूसरी बार आई है। यहाँ पे दूसरी बार आई है। क्या आश्वासन मिला? वो यही बोल देते हैं कि कोतवाली पहुंचो, और कोतवाली में कोई सुनवाई नहीं होती है, वो दरोगा जी है, पैसे खा गए हैं, तो मतलब वो सुनते नहीं, वो नहीं पार्टी की तरफ। क्या नाम है उनका दरोगा जी का? मदन पिपल। वो मोटी रकम खा के चुप बैठे हुए। हाँ। और अब सुने यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम की सातवीं खबर। प्राइम टाइम देखने के लिए धन्यवाद, खबर को अंत तक जरूर देखें। अब हम आपको लेकर चलते हैं फरुखाबाद के थाना जहानगंज। ये मामला बहोरा गांव का है, जहां कोटेदार ने अंत्योदय कार्ड पर 35 किलो राशन देने से मना कर दिया और दंपति को धमकाया। कोटेदार राजेश कुमार ने मीरा देवी पत्नी कल्लू कोटा लेने पहुंची तो कम दिया। पूछने पर कोटेदार ने बड़ा अजीब सा जवाब दिया कि उन्होंने कहा कि अपने पति का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेकर आओ, तब राशन पूरा मिलेगा। अब आपको बताते हैं, मजेदार बात यह है कि जिनके वैक्सीनेशन का कोटेदार ने मांग की है, वह इस दुनिया में है ही नहीं। अब मृत व्यक्ति के कोरोना सर्टिफिकेट कैसे दिखाएं? तो चलिए सुनते हैं मीरा देवी के पुत्र ने यूपी 76 न्यूज से क्या कहा। आपते और उन्होंने कहा है कि कोरोना वैक्सीन दिखा जब लाओगे तभी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। हम जब हमने कहा कि आप ये क्यों कर रहे हो ऐसा, तो उन्होंने कहा मैं अपने अधिकारियों को ऊपर जो है उनको दिखाऊंगा, उनको दिखाने के लिए मैं 5 किलो राशन काट रहा हूँ। जब मैंने उनसे इसकी जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने अपने रजिस्टर में मुझे मृत घोषित, मेरे दादा के मृत घोषित कर दिया है। जब मैंने डेथ सर्टिफिकेट की बात की तो वो बोल रहे हैं डेथ सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, और मृत घोषित भी अपनी तरफ से कर रहे हैं। और फिर मृत घोषित करने के बाद उसमें उन्होंने आगे ये नहीं लिखा है कि 5 किलो राशन भी काटा जा रहा है, बल्कि वो यही दिखा रहे हैं उसमें कि 5 किलो राशन नहीं, 5 किलो राशन काट रहे हैं हम, और उसमें कुछ नहीं ऐसा दिखाई दे रहा है जिससे ये लगे कि वो राशन काट रहे हैं। वो वहाँ से हमें लगता है कि पूरा मिल रहा है, अपने पास से ही काट रहे हैं। हमारी सरकार तथा मोदी जी से यही उम्मीद है कि हमें अगली बार राशन पूरा मिलेगा
और न्याय भी मिलेगा। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम। और प्राइम टाइम देखने के लिए बहुत 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 ही धन्यवाद। और मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहूंगा, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इरशाद अली, जय हिंद।